भवानी साहब, फिर से हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे। और फिर आज आपको मैं लेके आया हूँ बहुत ही एक स्पेशल कलर जो कि अपने आप में रॉयल है और राजपूती कल्चर में इस तरह का पोशाक हमेशा सभी को पसंद आती है और उसका कलर भी ऐसा है कि वो अपने आप में पहनने के बाद रोहिली लगता है। एक बार ओवरऑल वीडियो में आप पहले पोशाक को देख लीजिए, फिर बात करते हैं उसके कलर और वर्क की और ब्यूटीफुल पोशाक जो आपको आज दिखाने जा रहा हूँ उसकी। आपने देख लिया है, बात करते हैं इसके कलर और वर्क की। तो आपको पहले सबसे पहले कलर बता देता हूँ, कलर ये है रॉयल ब्लू और ब्लू भी कह सकते हैं। और ओरिजिनल जो शेड कार्ड आता है उसका 53 नंबर शेड है, 53 नंबर शेड है, ये वो वाला कलर है। और इसका जो फैब्रिक है, फैब्रिक वही ठाकुर जी 20 ग्राम जॉर्जेट है। और जो पोशाक का लहंगा और ये कुर्ती का कपड़ा है, ये है सामू साटन, जिसको बेम्बर साटन बोलते हैं, वो वाला फैब्रिक है जो कि जॉर्जेट और प्योर से कॉस्टली ही आता है ये वाला फैब्रिक। और इस फैब्रिक में क्या होता है कि पहनी हुई पोशाक भी सुंदर लगती है, कंफर्टेबल लगती है और जॉर्जेट में जैसे क्या लॉन्ग टाइम में उससे ज़्यादा ड्यूरेबल रहती है इस फैब्रिक में साटन के अंदर। और इसमें जो वर्क लिया है इसमें है सीखिया है, डोरी है, पत्ती है, जैसे आप देखेंगे पास से तो ये सीखिया है, ये सीक्वेंस है, ये जरी है और ये डोरी है, ये पत्ती है। ये सारा ही मटेरियल डोरी को छोड़ करके सारा ही कॉपर है और इसका कलर है सिल्वर, जैसे रियल आता ना उस कलर में है चांदी जैसा कलर, मगर ये नॉट चांदी नहीं है, ये कॉपर में है, सिल्वर वाला सिल्वर कलर में है। और ओढ़ने में इसमें तरह से इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है और ओढ़ने में पूरे में ये पूरा बॉर्डर और फिर ओढ़ने में पूरे में जाल दिया हुआ है। और फेच यहाँ से जैसे खूबसूरती देने के लिए ओढ़ने में अपन ने यहाँ पे रानी कलर का पेच भी लगाया है, जैसे आप नीचे देखेंगे ना पत्तियों के नीचे ये यहाँ पे रानी कलर का पेच लगाया है। ये इस तरह की बारीकियाँ इसलिए होती हैं कि पोशाक में इसमें हाईलाइट होती है, खूबसूरती बढ़ती है पोशाक और पहनी भी सुंदर लगती है। अब बात करते हैं इसकी कुर्ती, इसका नेक वगैरह किस तरह से बनाया हुआ आपको मैं दिखा देता हूँ, हटा करके एक बार वो यहाँ से पल्लू से ओढ़ना। ये इस तरह से इसमें खूबसूरत यहाँ पे एक गला बनाया हुआ है, जब स्टिचिंग होगी तो ये पूरा फैब्रिक एक्स्ट्रा पूरा रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे पूरी वो आरी की मलकी आ जाएगी इसमें। और ये वाली कुर्ती है, जो कुर्ती में भी पूरे में वर्क है, ये सामने बैक में भी आपको इतना ही वर्क मिलेगा, बाजू पर भी आपको वर्क मिलेगा। और ये इस तरह से इसकी पूरी कुर्ती है, कुर्ती में यहाँ पे सीखे गलान दे करके फिर ये मुर्रे दे करके पूरी कुर्ती भरी हुई है। और अब आपको लहंगा और दिखा देते हैं नीचे से, ये लहंगे में वही जो आपको दिखाया था ओढ़ने वाला बॉर्डर, ये यहाँ पे बॉर्डर दे करके फिर इस तरह से सीखे के मुर्रे दे करके और ये पूरे में जाल दिया हुआ लहंगा, ताकि लहंगा पूरा हेवी लगे और ओढ़ने में भी इसमें जाल है, वो आपको बताया है मैंने, फिर रिपीट कर दिया मैंने, ये इस तरह से इसका लहंगा रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका ओढ़ना बहुत सुंदर है, आपको इसका ओढ़ना आपको एक बार मैं जरूर खोल के दिखाना चाहूँगा, मुझे भी बहुत सुंदर लगी, इस तरह से आपको भी दिखा दूँ ताकि आपको लगे ओढ़ने में इस तरह से इसमें पूरा जाल रहेगा, ये इस तरह से इसमें जाल रहेगा। और कलर के ऐसा कोई नहीं, कलर अपने आप में बहुत ही रॉयल है और पहने हुए भी पोशाक बहुत ही रॉयल लगेगी। और दूसरी आपको और बताना चाहूँगा, अगर किसी को आपको ये जैसे कलर की कोई ना पसंद है, किसी को पसंद आता है किसी को ना पसंद आता है, अगर आपको ये कलर नहीं पसंद कम पसंद आ रहा है तो कलर भी कस्टमाइजेशन हो जाएगा। अगर आपको ये सिल्वर पसंद नहीं है तो ये वर्क वापस गोल्डन में हो जाएगा, गोल्डन कलर में हो जाएगा। मैं तो आपको ये सब चीज़ दिखा रहा हूँ, बाकी ये मेरे हमारे अकॉर्डिंग बनाई हुई पोशाक है, बाकी आप जैसा कस्टमाइजेशन चाहेंगे वो कस्टमाइजेशन हो जाएगा, उसके लिए आपको 1 महीना या 25 दिन का आपको टाइम देना पड़ेगा।
और ज्यादा से ज्यादा पोशाक देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी सबसे आने वाली पोशाक, सबसे दिखने वाली, सबसे खूबसूरत पोशाक और वो आपको पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। आशा करता हूँ आपको ये पोशाक खूब पसंद आई होगी। तो अब मैं चाहता हूँ इजाजत और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आप बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। खमागणी साहब, धन्यवाद।